क्यों? और दादी कोई आए हो तो देऊ ना देऊ कोई चीज अपना एक साल की हो चुकी है तब उसको थोड़ा बहुत नमक देना हमने स्टार्ट कर दिया बहुत थोड़ा ही है जी हाँ पट्टी तुम दोनों की पट्टी हो जाएगी God bless you तू खा हमारे लिए रात को डिनर तैयार रखे हम जा रहे हैं लनन के दिखा रहे मम्मी जी एक के हिसाब से दिखा पूरा एक के लास्ट के मम्मी मेरी तबीयत इतनी खराब है ना साथ है तो अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर छुपाएगी इतनी प्यारी बोली जनता से सो एज़ यूजुअल मेरे दिन की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से सुबह सुबह उठी और अपने डेली रूटीन में लग गई हूँ तो गाइस सबसे पहले उठते ही मैं अपने फेस पे लगाती हूँ सनस्क्रीन क्योंकि अभी मैं नहाऊँ ना नहाऊँ उससे पहले एक बार सनस्क्रीन लगा लेती हूँ किचन में काम करना होता है ना मुझे और गर्मियाँ इतनी है बिना कहीं गए भी बाहर स्किन में टैनिंग हो जाती है तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी सिंपल सी इस सीज़न में तो यही सब्जियाँ चलती हैं आज भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने अजवाइन में उसका तड़का लगाया लहसुन प्याज डाले और भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करा और ऊपर से सारे बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये सब डाल दी के इसको अच्छे से फ्राई करके ढक के रख दिया और ये बन जाएगी रेसिपी हमारी इतने डीवा उठ जाती है और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ सो गाइज अभी हो रही है मॉर्निंग और कान्हा के पापा और कान्हा चले गए हैं पार्क अपने घूमने फिरने एक्सरसाइज करने और मैं और डीवा उठ चुके थे सो डीवा खेल रही है चिकू भी खेल रहा है आज का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी डीवा का रूटीन मींस मेरे साथ डीवा का कैसा रूटीन रहता है ट्राई करूंगी क्योंकि एक साल की हो चुकी है और मैंने इसका आज तक आपका साथ रूटीन नहीं शेयर करा क्या क्या ये रहती है तो सुबह उठी थी उस टाइम मैं इसको एक सैलेड खिला चुकी हूँ बट इसने ज़्यादा खाया नहीं खाया तो छोड़ दिया इसने हमारी सब के लिए मैं बना रही हूँ आलू और पनीर का पराठा उसमें है सिर्फ थोड़ा बहुत नमक बिल्कुल हल्का सा एल डी एक साल की हो चुकी है तब उसको थोड़ा बहुत नमक देना हमने स्टार्ट कर दिया बहुत थोड़ा ही है बाहर की चीज़ें तो ये चटमाल मारती है कभी कभी हमारे साथ बट घर में हम इसको नमक चीनी वगैरह कम देते हैं अब स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना हाँ बिल्कुल हल्का चुटकी भर था वही सिंपल और इसका मक्खन या घी में पराठा बनाऊँगी रहे थे
सो इस बीच में मम्मी ने अपना अचार डाले था। बीच में कई दिन मौसम खराब था तो यहाँ पे सारे मसाले भून के अचार वाले कलौंजी सौंफ मेथी धनिया मिर्च कश्मीरी मिर्च नमक हल्दी ये सब डाल के तेल में अच्छे से मिक्स करके हमारा अचार बन गया है। और जब ये पूरा बन जाएगा तो आप उसका टेस्ट बताऊंगी कैसा बना। ना मसाला ज्यादा सही लग रहा है देखने में। और यू थोड़ा सा यू गल जाएगा है ना, मसाला नीचे रह जाएगा। हां तो मसाला भी अच्छा लगा है जब आवे। गर्मी ज्यादा यही का ये ऐसे ही हो रहा है छोटी फिर ज्यादा बड़ा होता। सो गाइज मैं मम्मी डीवा पिंकी हम सब जा रहे हैं मार्केट। जो बाहर आए थे उनको बधाई देने के लिए रिंग लेके आने हैं। हमें बोला हुआ था जब काना मिकी नहीं हुए थे ना तब वो आए थे लास्ट टाइम, तो बोला था अगले टाइम जब आपके घर में बच्चे हो जाएंगे तब देंगे, तो पापा ने उनसे बोला था। तो अब हमारे घर में एक नहीं दो नहीं तीन बच्चे हो चुके हैं, मतलब बधाई इन तीनों की लिखी है उन्होंने, तो उसके लिए उन दोनों को एक एक रिंग देने के लिए जाएंगे मार्केट। चली जा तू खा, हमारे लिए रात को डिनर तैयार रखे, हम जा रहे हैं। बढ़िया, मैं तो मस्त दाल चावल खाऊंगी, ठीक है ना? जाओ तुम। चल ठीक है, बाय। वैसे चाय पी जाती सही रहती है ना? या फिर चल है ना? बैठते टिक्की ले ली, जामुन ले ली, लड़की ने तो आज दीवा के साथ हम फर्स्ट टाइम निकले हैं मार्केट शॉपिंग पे। हम आ गए ज्वेलर शॉप पे, फिर यहाँ से हम मार्केट में छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे। और देखिए दीवा हमारे साथ कितना एंजॉय कर रही है आज मार्केट में। तो आप लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं आप बाहर नहीं जाते शॉपिंग नहीं करती, तो मैं आ जाई थी तो मैंने सोचा चलिए आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो ब्लॉग बनाती हूँ। सूट वगैरह चप्पल सारी शॉपिंग होगी तो सब देखना आगे। और मिकी का आने वाला है बर्थडे तो उसकी हो चुकी हैं तैयारियाँ स्टार्ट। सो रिंग हो चुकी है फाइनल, एक लेडीज ली एक जेंट्स ली, आगे जाके घर पे दिखाऊंगी इनको। तो अब चलते हैं मार्केट, यहाँ पे हमने बिलिंग वगैरह करा ली। सो चलिए आगे जाएंगे, छोटा मोटा कुछ खाएंगे क्योंकि दोपहर सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं, भूख लग रही थी, चाय का टाइम था। दीवा को था कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, बट मैंने उसके लिए लस्सी ले ली नमकीन, और उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। मम्मी की कोल्ड ड्रिंक बहुत लपक रही थी, उसको लगा सही सब पी रहे हैं तो पता नहीं क्या चीज़ है, तो उसको एक थोड़ा सा पिलाया, उसको बहुत इसको ज़्यादा लपक रहती है कि तू पी कोल्ड ड्रिंक, बट नहीं हम उसको अवॉइड करते हैं, उसको नहीं पिलाते जब नहीं मानती, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेते ही हैं ऑप्शन में। सो यहाँ पे हमारी आ गई है टिक्की और हमने राम लड्डू लिए, और डीवा के लिए लेते थे फ्रेंच फ्राइज बट वो थोड़े टाइट थे। सो देखिए लाजपत की मार्केट एक मतलब बहुत टाइम बाद आती है ना तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है थोड़ा अलग अलग, बट आज काफ़ी ज़्यादा रश था। सो गाइस मिकी का बर्थडे आ रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है, मम्मी अपने लिए सूट लेने आई थी उसके बर्थडे का। क्यों मार रहे मेरी पिट्टी को? मम्मा की पिट्टी क्यों हो रहा?
ये झोजर कपड़े पे है, ये हमारा खुद का बना पीस बनाई है, कोई सूरत की नहीं है ना, कोई जयपुर की नहीं, कोई चांदनी चौक की है। ये लोगे और गंजा रखा है, लेजर कटिंग दिखा रहे हैं मम्मी, ये चीज के हिसाब से दिखा, पूरा बर्फ का बना बना दिखा रहे हैं। चिकन सलवार के पास आया कॉटन ऑर्गेंजा चुन्नी है मिक्स में, ये ऑर्गेंजा का पॉट दिया, ये कॉटन दिया, हाफ एंड हाफ। यहाँ देख लो बीजी भाभी सो गाइज अभी लाजपत में तो ना मतलब प्योर के दुपट्टे चाहिए थे मम्मी को, या तो प्योर हो या कॉटन हो, बट यहाँ पे ऑर्गेंजा की ही भरमार आई हुई है। कुछ अलग भी चल रहे हैं, फैंसी दुपट्टे हैं बट प्योर नहीं आ रहा है, और हमें मोस्टली प्योर में या फिर कॉटन में इस सीज़न में ना सर मम्मी वगैरह को खासकर वही चाहिए होते हैं, क्योंकि सर पे अच्छे से टिके रहे हैं, वो नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद फिर एक सूट फाइनली पसंद आया। सो कैसा सूट था वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आगे, यहाँ पे तो जस्ट जो क्लिप्स रिकॉर्ड करी वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब ऑप्शन बहुत अच्छे थे कि जैसे अभी चल रहे हैं, बट मम्मी के अकॉर्डिंग नहीं थे। ये सही है, खुश हो रही है। खुश हो रही है, छोटा नहीं है, छोटा दिखा दो कोई और दिखा दो, डिजाइन वाला छोटा। हाँ। सुंदर लग रहा है हेलो, हाँ। अब यू कौन देगा, तेरा ही हो रहा है, हमने यू ले रखा है, वो लेगी देख रही है। ये तो सही लग रही है कॉर्डिंग की, हाँ सुंदर लग रही, ले सको वो सर, ये आएंगे ना आपके पैर में, कॉर्डिंग वाली ही सही। बोतल लेगी हो? अच्छा चला अंदर से नहीं हमें देखी कैसे प्लास्टिक छोटा मरिया कह रही दादी दादी है, बोलो दादी। अच्छा यह देखो बैंड जो बैंड लगाएगी मैं रोज देखती रोज डेली किचन में कपड़े बदलते हैं, हर चीज़ देखते। सो हमारी हो गई थी शॉपिंग, अब हम चल दिए हैं घर वापस, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा रश था आज मार्केट में। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और अब बना रही हूँ मैं खाना, दीदी अभी गई हुई है डॉक्टर के, उसके नेक में पेन है, मतलब आजकल उसकी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है, तो फटाफट खाना बना लेती हूँ। वैसे तो आपको पता ही डिनर की बारी उसकी होती है, बट अभी डॉक्टर गई तो भूख लग गई सबको, हम लेट हो गए हैं, चलिए बना लेते हैं खाना। सो उसने सारी तैयारी कर रखी थी, सब्जी बना रखी थी और आटा लगा रखा था, और इतने वो आ भी गई, फिर मैंने इतने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। दादी कोई आया हो तो देव ना देव, कोई अपना आदमी बन गया ना देव।
क्या चाहिए होता है? रोटी खानी है? रोटी बेटा क्या करती है? सेव कर लिए डिनर के बाद। सेव मम्मी का मन कर रहा सेव आए ना। क्यों? पब्लिक का अकॉर्डिंग हमारा मजबूत बात है। Oh my god. दूध बजा हमारा घर में इनको हमारा एक गिलास प्यारी बोली जनता से देखो क्या चला है। मिलने लगे कुछ नहीं तो देने के लिए मेरे लिए कुछ लिया कर यार कभी बढ़िया भाई। ओ बेटे मौज कर दी है। मौज कर दी। मौज करती मौज कर दी। दोनों सेम है ना? एक जेंट्स एक लेडी है। ओ बेटे एक दूसरे और देखो। मौज कर दी। मौज कर दी। ओहो ओहो तुमने मतलब ऐसा नहीं करा कि हम दे रहे हैं मतलब देने वाला टाइप नहीं करा तुमने। दे तो फिर ढंग की तो अच्छा ऐसे काम था भाई साहब। क्या लो मम्मी यार अब दिखाओ को पापा वाले ऊपर चल 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 लेन देन का मतलब कितना है? बस क्लास है। पास है कर ना। कौम आ जाएगी उनके ब्याह शादी में किस चीज में कौम आ जाएगी? कौन सी अच्छी दिन है? जा तू घूमिए पापा के साथ जाकर। चला जा इनके मारी तो रो रही दे दे बड़े पापा दे दे दोनों रिंग दे दे बाय कर दे बाय बेटा बाय कर दे बाय कर दे बाय कर दे बाय देख पीछे देख जो तुमने देख ली तो गाइस देखिए डीवा की नौटंकी। अब मुझे जाना था वॉशरूम और ये बिल्कुल भी जाने दे रही है। रो रो ना बुरा हाल कर दिया ना पापा के पास जा रही है ना कुछ पकड़ लाया मैं जान रहा है मैं कपड़े चेंज करूं लाइन में से लेकर बाथरूम में जा रही हूँ अपने साथ। चल चल यही होना लाइक बच्चे जो बच्चों के बाथरूम जाते सो चुके हैं सब मैं भी सो जाती हूँ। बाय बाय गुड नाइट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।